आज आपके जरिए से मुहब्बान मजलिस से और तमाम ही मुसलमानों से और तमाम ही उन लोगों से, मेरी माओ बहनों से मेरी गुजारिश है कि मेरे से जो कुछ भी हुआ मैंने सदर साहब के खिलाफ में बोला, तो आज मैं उनसे तहे दिल से माफी चाह रहा हूँ, मुझे माफ करें और इंशाअल्लाह ताला फिर से एक बार काम करके अल्लाह की जात से मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला फिर से मैं अपने खायदीन का दिल लूंगा। मोहन भाई, ये पार्टी जो आप ज्वाइन की है, आप तो विधानसभा के हद तक है या आगे भी रहेंगी? पहले बताया क्योंकि मैं तो रहने के लिए आया नहीं, कोई पोस्ट है ना पोस्ट के लिए आया। बाजाब्ता तौर पर जावेद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम बातों को जावेद साहब के सामने पहले ही रखा, ना मुझे पोस्ट चाहिए, ना मैं टिकट के लिए आया हूँ, ना कुछ। एक अदना रुकन बन के कार्यकर्ता मराठी में इसको बोलेंगे, कार्यकर्ता एक रुकन की हैसियत से आया हूँ और ताकत और बनाएंगे इंशाल्लाह अपनी जमात को। कोई गुड बात, पिछले साल दक्षिण से आप लड़े थे तो कांग्रेस से अच्छे वोट आपको मिले थे, तो फिर ये बात लड़े तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैं अभी बार बार उसी पे अगर बोलता चलूंगा तो ही बात आएगी। अच्छा। मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, जितवाने के लिए आया हूँ और इंशाल्लाह जितवाऊंगा। ठीक है जावेद साहब, जावेद साहब, आपने आपने कहा आपने उम्मीदवार घोषित की, किसकी डिमांड हो रही है आपकी तरफ से? अभी जो उम्मीदवार साहब ऑलरेडी कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, दक्षिण से जो भी सदर मजलिस का जावेद साहब की हिदायत पे जो भी फैसला होगा वो कोई भी हो इंशाल्लाह हम हर तरीके से उसका साथ देंगे। कौन सा है उम्मीदवार? उम्मीदवार कौन है? देखिए फिर वही बात आ गया था, शुरू में मैं कहा आप तमाम को सुनिए, आपको टिकट नहीं चाहिए। अरे मेरे भाई, मैं सच्चे दिल से आया हुआ हूँ। ठीक है जावेद, दो नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। दक्षिण के शीर्ष उम्मीदवारी के बाद सैयद मोहन साहब के नाम की सिफारिश कर सकते क्या? और कार्यकर्ता इस बात का फैसला करेंगे, बिल्कुल उस पर कोई दो राय नहीं है। सैयद मोइन साहब बिना कंडीशन के आए, हम अपनी बात हमारे कायदे के सामने रखेंगे, इस पर कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, अब बिलोली का जो मसला है लोगों का, यहाँ नांदेड़ में ऐसी चर्चा है कि वहाँ पर हम पिछले 70 साल से 27 लोग हैं, इतने मसाइल है कि मसाइल का अंबार है। और कितनी ऐसी पार्टीज है जो मैनिफेस्टो मंशूर एजेंडा तैयार करती है उसके ऊपर अमल करती है, बहुत सी ऐसी पार्टी है, कितनी पार्टी है आप बताइए। और हकीकत में काम करके मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने काम करके होता है, तो अगर माना कि बनी इंतखाबात में मजलिस को यहाँ के दलित और मुसलमानों ने जीता है, एम्बुलेंस भी चली, पानी के टैंकर भी चले और ग्रीन वाटर प्लांट भी चले, हॉस्पिटल भी चले, छोटे छोटे पब्लिक स्कूल भी चले, अल्लाह की जात से उम्मीद है इंशाल्लाह इलेक्शन के फौरी बाद इसके ऊपर अमल किया जाएगा। जगह लेके बेचने का कारण क्या था? सुनिए, आपने कहा था कि उन्होंने वापस बेचने लगा और वो लोगों ने बेचने के कारण वही जगह खरीद दिए गए पटरी के पास की। जी जी, जगह जो लिए गई थी अभी तमाम चीजें इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद। अच्छा, अभी से समय आप तुमने ले लिया इंशाल्लाह हम करीब मिलेंगे। आप तमाम लोगों को इतनी गर्मी में ठहरना पड़ा, लिहाजा तमाम लोगों से अल्लाह।